क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, निम्नलिखित को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू जीरो के बराबर नहीं है। यानी कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं इनको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर रहा है। अब यहां पे देखो, जैसे हमें 0.6 इसके पूर्व बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कितना है, 0.6666 इस तरह से चलता ही रहेगा, ये चलता रहेगा। इसको हमें P बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने क्या कहा, इसको x मान लिया, माना x बराबर है 0.666 इस तरह से लिख दिया हमने इसको। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें x का मान निकालना है। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। अब आप देखेंगे, अब देखो बार बार के नीचे कितने अंक हैं, एक अंक है, तो यानी कि आप इसको 10 से गुना कर दोगे, इस समीकरण को 10 से गुना कर दोगे। अगर बार के नीचे जैसे मान लो 23 है तो आप इसको 100 से गुना कर दें, मान लो बार के नीचे 123 है तो आप इसको 1000 से, यानी कि जितने अंक है उतनी जीरो लगेंगी, दो अंक है तो दो जीरो, एक अंक है तो एक जीरो। तो इस तरह से आप देखो बार के नीचे एक अंक है यानी कि 10 से गुना करना है। क्या करेंगे, समीकरण एक को 10 से गुना करने पर, इसको 10 से गुना कर दिया, देखो जब हम 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, 10x। अब जब इसको 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट इधर से खिसक के इधर आ जाएगा, ये पॉइंट 0.6 है तो ये पॉइंट यहां पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.66666 इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा समीकरण दो हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें से ये माइनस करना है, क्या लिख देंगे, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, अब 10x में से तो x माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x, और 6.66666, अब इसमें जितने मर्जी लिख दो आप, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चार लिख दो, पांच लिख दो, छह लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 0.66666 इस तरह से लिख दिया हमने। अब देखो यहां पे ये तो आ गया 9x, 10x माइनस x, x का मतलब 1x। अब देखो यहां पे 6.66666 इस तरह से चल रहा है, अब दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया, इससे इधर जीरो है और इधर कितना है 6666, इस तरह चलता रहेगा जितने मर्जी लिख दो, इस पे भी तो इतने ही है, तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो सारे जीरो ही नहीं हो जाएंगे, तो यहां से कितना बच जाएगा, ये सारे जीरो हो जाएंगे, इस तरह से 0.0000.6 माइनस जीरो छह ही आ गया, छह दशमलव के बाद अगर सारे जीरो है तो इसका मतलब ये छह ही है, तो हमें ये कितना मिल गया, छह। तो एक्स का मान कितना आ गया, 6/9, तीन पे कट जाएगा, 3 × 6 = 3, तो x का मान कितना आ गया, 2/3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि 0.6 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, यानी कि 0.6 बार ये है हमारे पास 2/3, तो ये हमारे पास, हमने इसको p बटा क्यू के रूप में लिख दिया। तो बस आपको एक बात याद रखना है, बार के नीचे जितने अंक है, अगर एक अंक है तो 10 से गुणा करेंगे, अगर दो अंक है तो 100 से गुना करेंगे, अगर तीन अंक है तो 1000 से गुना करेंगे, इस तरह से चल रहा है। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, ठीक इसी तरह से दूसरा पार्ट है हमारे पास, x मान लेते हैं हम इसको 0.47 बार, बार सिर्फ 7 के ऊपर है, यानी कि ये है 0.47777, इस तरह से चलता रहेगा, ये समीकरण एक है। हम क्या करेंगे, समीकरण एक को 10 से गुना करने पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x, यहां पे देखो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4.7777, इस तरह से चल पड़ेगा, तो ये दो हो गया। अब हम इसको लिख देंगे कि
दो माइनस एक, या फिर पूरा लिख दो इसको, इंग्लिश में लिखते हैं तो ऑपरेटिंग टू माइनस वन ऐसे लिख देते हैं, तो ये पूरा लिख दो इसको कि समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर क्या आ जाएगा, दस एक्स माइनस एक्स, इधर आ जाएगा 4.7777 और माइनस 0.47777, इस तरह से चल पड़ेगा ये। या आप थोड़े कम लिख दो थोड़े ज्यादा लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया नो एक्स। अब देखो 4.7777 इस तरह से है, और ये दशमलव से इधर जीरो, यहां पे 4777 एंड सो। अब देखो जब माइनस करेंगे तो यहां तो जीरो है, इससे इधर वाले भी सारे जीरो ही है, तो ऐसे लगा देते हैं कि जीरो, ये तो सारे यही है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। यहां पे हमारे पास देखो 7 - 4 = 3 है, दशमलव ये 4 है, तो दशमलव के पास सबसे लास्ट में अगर जीरो हो तो उनको छोड़ देते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो यानी कि ये हमारे पास है 4.3। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 4.3, तो ये जो गुना में है बटे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। अब इस दशमलव को हटाना है हमें, तो इसको लिख देंगे 4 - 3, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, 10 और ये 9 पहले ही था यहां पे, तो ये हो गया 43/90। तो हमने इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया, यानी कि हम 0.472 इसको लिख सकते हैं 43/90। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक इसी तरह से पार्ट थर्ड है हमारे पास, पार्ट थर्ड में है 0.001, उसके ऊपर 12 है। अब आप देखेंगे यहां पे कि 12 के अंदर जो नीचे है वो 3 अंक हैं, तो हमें इसको 0.00 यानी कि 3 0 यानी कि 1000 से गुना करना पड़ेगा। यह है क्या 0.001001001, इस तरह से है बार बार। तो यह है हमारे पास, अब हम एक्स है हमारा 0.00001001001, और ये ऐसे चल रहा है। तो हम लिखेंगे कि समीकरण एक को 1000 से गुणा करने पर, हमने इसको 1000 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 1000x। अब यहां पे हो जाएगा हमारे पास, अब देखो तीन इधर सरक जाएगा ना, 10 में एक इधर सरका था, 100 में दो सरकेगा तो 3 में यहां पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां पे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, या यहां पे सरक जाएगा तो 0001 के बाद लग जाएगा, तो 0001001 ऐसे बन जाएगा। ये तो कोई मीनिंग लेस है, इनका तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि पहला जो मीनिंगफुल डिजिट है वो एक है, क्योंकि इससे पहले तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। अब यहां से ये बन जाएगा हमारे पास 1.001, यहां पे लग जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे, तो 0.001001 और इस तरह से चलता रहेगा। तो ये दो हो गया। अब वही काम कर देंगे कि समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, तो 1000x माइनस एक्स, और यहां पे हमारे पास 1.0 पहले ये लिखेंगे 0.01001, और ये इस तरह ही चल रहा है, माइनस 0.001001001, और ये इस तरह से। अब देखो हमें माइनस करना है, एक तो है हमारे पास 1.001001, और इस तरह ही चल रहा है, और ये है हमारे पास 0.001001, ये भी इस तरह से चल रहा है। अगर आप 0.01 लिखेंगे तो यहां पे भी तो यही है, यहां पे भी तो 0.01 ही है, इस तरह चल रहा है। अब यहां से देखो ये 0.00000000, यहां से भी 0, ये भी 0, ये भी 0.00, और ये 1, इस तरह चल रहा है। यानी कि 1 के दशमलव के बाद सारे भी 0 है, तो इससे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये आ गया 1000x में से 1x चला गया, तो 9999x बराबर है 1 ही बचा 1, x का मान आ जाएगा हमारे पास 1/999, यानी कि
0.001 बार इसको हम लिख सकते हैं 1/999। तो ये है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।